राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की बड़ी हार के बाद इसी बात को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि आखिर विपक्षी खेमा क्यों अपने विपक्षी कैंडिडेट के खिलाफ ही होता नजर आया, यानी यशवंत सिन्हा के खिलाफ होता नजर आया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि अगर वह चाहती तो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में और ज्यादा वोट जुटा सकती थी। गुरुवार दोपहर मध्य कोलकाता में पार्टी की वार्षिक शहीद दिवस रैली के अवसर पर रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मैं चाहती तो बीजेपी के खेमे से भी विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में अतिरिक्त वोट हासिल कर लेती, लेकिन मैंने जानबूझकर इससे परहेज किया। ये बहुत बड़ा खुलासा है अगर देखा जाए, क्योंकि ममता बनर्जी शरद पवार की सब बैठकों के बाद ही यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया था। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का रुख शुरू से ही काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। वह राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट विपक्षी उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक शुरू करने वाली थी। अंत में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बीजेपी द्वारा द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित करने की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मुर्मू के बारे में सकारात्मक सोच सकती हैं अगर बीजेपी ने उन्हें उनकी पसंद के बारे में पहले ही बता दिया होता। इस मुद्दे पर उनके बदलते रुख की कांग्रेस और माकपा जैसे गैर भाजपा दलों ने तीखी आलोचना करी। इस बीच भाजपा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री की टिप्पणी का उपहास उड़ाया कि अगर वह चाहती तो सिन्हा के लिए और ज्यादा वोट हासिल करती थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में अकेली होती जा रही हैं, किसी को उन पर भरोसा नहीं है और इस तरह की टिप्पणियां उनकी कुंठाओं को दर्शाती है। इसके बाद गुरुवार को शहीद दिवस रैली में बोलते हुए सीएम ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की और उन्हें जबरन वसूली से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास दो उदाहरणों की जानकारी है जहां पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस शहीद दिवस रैली के नाम पर पैसे जुटाने की कोशिश की। अगर आप किसी के बारे में तृणमूल कांग्रेस के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हुए सुनते हैं तो उसे पकड़ ले और उसे पुलिस थाने ले जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कि विपक्षी खेमा खुद ही एकजुट होता नजर नहीं आया एनडीए के ऐलान के बाद से, और द्रौपदी मुर्मू की एक प्रचंड जीत देखने को मिली और देश का 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिली, जो कि आदिवासी चेहरे से हैं और उनका नाम अब पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है और सभी की जुबान पर है द्रौपदी मुर्मू का नाम। ये यशवंत सिन्हा का भी हो सकता था, लेकिन विपक्ष खुद ही एकजुट होता नजर नहीं आया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।